प्रिय विद्यार्थियों, आज 10th और 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं अम्ल भस्म और रसायन के पाठ को संक्षिप्त में विशेष जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग कृपया इसको पढ़ें, देखें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे फॉलो करें। प्रिय विद्यार्थियों, अम्ल भस्म और रसायन में सबसे पहले अम्ल की परिभाषा क्या होती है। अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है और जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा पाई जाती है, H प्लस आयन पाया जाता है। जिस अम्ल में H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा होती है वह अम्ल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसको स्ट्रांग एसिड बोलते हैं। और भस्म के बारे में, भस्म वह पदार्थ है जिसका स्वाद कसैला होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं, OH आयन पाए जाते हैं, वो भस्म होता है। उदासीन विलयन जो होता है वो न तो अम्ली में आता है और न ही भास्मिक में आता है। अम्ल भस्म और उदासीन विलयन की जांच हम कैसे प्रयोगशाला में करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि उसके लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें नीला लिटमस और लाल लिटमस पत्र होता है। तो अम्ल में अगर आप नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो लाल कलर हो जाएगा। और भस्म में लाल लिटमस आप डालेंगे तो वो लाल लिटमस का कलर जो है वो नीला पड़ जाएगा। और उदासीन विलयन में चाहे आप नीला डालें लिटमस पत्र या लाल डालें, किसी प्रकार के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे हम जांच कर लेते हैं कि किस कौन सा विलयन अम्ली है, कौन सा भास्मिक है और कौन सा उदासीन है। इसको याद करने का संक्षिप्त तरीका मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अनीला भलानी, ये दो शब्द आप याद रखें। अनीला मतलब अ मतलब अम्ल, नी मतलब नीला, ला मतलब लाल, मतलब अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। और भलानी, भ मतलब भस्म, ला मतलब लाल, नी मतलब नीला, कहने का मतलब ये कि भस्म में लाल लिटमस नीला हो जाता है। एक अक्सर गड़बड़ी हो जाती है कि किसमें लाल होता है किसमें नीला होता है। तो अनीला और भलानी ये दो शब्द आप याद रखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसके बाद अम्ल धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो है वो धातु के लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे ZN प्लस 2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2, यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरी बात यह है कि प्रिय विद्यार्थियों, आपकी बुक में कुछ यौगिक हैं जिनके बारे में अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो उससे पहले मैं उदासनीकरण क्रिया के बारे में परिभाषा बताता हूँ और उदाहरण बताता हूँ। उदासनीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और भस्म आपस में रासायनिक क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, उस क्रिया को हम उदासनीकरण क्रिया कहते हैं। कभी कभी पेट में आपको एसिडिटी होती है, एसिडिटी का मतलब होता है कि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाना। तो अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो एसिडिटी होती है और उस एसिडिटी को दूर करने के लिए कोई भास्मिक पदार्थ का हम उपयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेट में जो अम्ल है और जो हम भास्मिक पदार्थ लेते हैं पेट के अंदर, तो दोनों में आपस में रासायनिक क्रिया होती है, लवण और पानी बनता है, जिससे आपके पेट के अंदर की अम्लता कम हो जाती है, एसिडिटी खत्म हो जाता है। इस तरह से कुछ यौगिक के बारे में है, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट ये रासायनिक नाम है और इसे
खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी बाजार में मिलता है। इसका अण सूत्र है NaHCO3, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो उपयोग होता है वो आपको केक बनाने में और बेकरी का केक बनाने में किया जाता है, और इसका जो मुख्य रूप से दैनिक जीवन उपयोग होता है छारी पेट में अम्लीयता को कम करना, और सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना, जहाँ पे अग्निशमक दल जो है आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण को रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर ऐसे कहते हैं व्यापारिक नाम, लेकिन इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में जो गंध आती है वो क्लोरीन गैस के कारण होती है, क्लोरीन गैस जो होती है उसके कारण ब्लीचिंग पाउडर की गंध जो होती है वो आपको नज़र आती है, सुगंध आता है। सूखा चूना और क्लोरीन गैस से क्रिया करके सूखा चूना कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस Cl2 CaOH2S प्लस Cl2 इससे अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बना जाता है, जिसका रासायनिक अण सूत्र है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये रासायनिक अण सूत्र है और रासायनिक नाम है, और इसका अण सूत्र है CaOCl2। इसका उपयोग जो है कहाँ होता है, कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में और धुलाई के केंद्र में, और क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सोडियम धावन सोडा, जिसको हम कपड़ा साफ करते हैं धावन सोडा, उसका व्यापारिक नाम है सोडियम धावन सोडा और रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, और इसका अण सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। इसमें 10 अण जो है पानी के होते हैं। ये धावन सोडा जो बनाया जाता है, अपमार्जक बनाया जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई करने में किया जाता है, और अपमार्जक चूर्ण का कागज के उपयोग में, कांच के निर्माण में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर इसको संक्षिप्त रूप में आप वीडियो देखेंगे और इसको आप 2 बार 10 दिन 15 दिन में देखते रहेंगे, तो आपका ये तीसरा चैप्टर ये 9th में भी है और 10th क्लास में भी है, सेम टू सेम है। तो ये 9th के लिए भी और 10th के विद्यार्थियों के लिए साइंस फर्स्ट में ये आपका चैप्टर संक्षिप्त में अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद साबुन जो है, साबुनीकरण, तो साबुन में तेल, वसा और सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रा ऑक्साइड होता है NaOH और KOH, तो इन दोनों के अभिक्रिया से साबुन बनता है, और तेल अथवा वसा का क्षारीय जलीय अपघटन क्रिया करके साबुनीकरण की क्रिया होती है, और साबुन का उपयोग के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तीसरे पाठ को संक्षिप्त रूप में बताने का कोशिश किया हूँ, लगभग 10 मिनट का ये वीडियो है। आप भी देखें, अपने और मित्रों को दिखाएं, और 9th क्लास के बच्चों को भी इसको करेंगे तो आपका तीसरा पाठ संक्षिप्त रूप में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जंग का सूत्र क्या होता है, बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो जंग क्या है, जंग जब वायुमंडल